sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. Hello, hi everyone. Kaise ho aap sab? Hope aap sab bahut acche honge. एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा था. ये मतलब हॉलीडेज चल रहा था तो कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो इसीलिए वीडियो आने में लेट हुआ. एंड मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, होप आप सभी को पसंद आएगा. मेरा जो दुबई का घर है वहाँ का मेरा छोटा सा एक बालकनी है जो मेरा सबसे फेवरेट जगह है. मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. तो उसका मैं आज मेकओवर का वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ. तो ये जो बालकनी है तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ज़्यादा छोटा नहीं है, हाँ स्पेशियस भी है थोड़ा एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास वगैरह लगा हुआ है तो इसका लुक और ही अच्छा आता है बाहर का व्यू देखने के लिए. तो ये जो मेरा फेवरेट जगह है इसको आज मैं मेकओवर करने वाली हूँ आपके लिए. और ये आज ये टेबल भी आ गया है, मैंने ऑर्डर किया था तो ये वाला टेबल मैं लुलू से ऑर्डर की थी तो वहाँ से आज डिलीवरी हुआ तो मैं सोची आपके लिए वीडियो बना दूँ, एक मेकओवर का वीडियो. फिर वो उसके बाद ये सब प्लांट वगैरह भी मैं ले आई थी, वो आपको बताया होगा बीच में. तो ये सब प्लांट्स वगैरह लेके आ गई थी तो ये ओनली प्लांट्स वगैरह है, इसको सजाना है, लगाना है अच्छे से. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का बालकनी मेकओवर का वीडियो. तो यहाँ पे दीवार में कुछ नहीं है, ये सब मुझे क्लीन करना है, लगाना है एंड ये सब मैं लेके आई हूँ नया. एंड ये वाला पॉट भी मैं लेके आई हूँ नया, तो इसको भी बहुत सारे प्लांट्स लगाना है इसमें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट लगाने का. पहला मेरे हिसाब से जो बालकनी का जो अच्छा लुक देता है वो है प्लांट्स से, तो मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ. आपको कौन सी चीज़ आपको पसंद है बालकनी में वो भी मुझे आप शेयर कीजिएगा ज़रूर. तो मैं यहाँ पे जितने भी नया प्लांट्स लेके आई थी उसको क्लीन कर रही हूँ नीचे से, कुछ प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ और कुछ प्लांट को और थोड़ा मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स होता है वो सब ऐड करके आराम से जल्दी जल्दी लगा रही हूँ. एंड हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा आ जाएगा इसीलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में चला रही हूँ जैसे कि आपको कम टाइम में सब कुछ दिखा सकूँ. तो ये वाला प्लांट का जो हैंगिंग प्लांट है ये बाहर तरफ, तो इसीलिए ये ख़राब ना हो यहाँ पे इसलिए मैं सेलो टेप लगा रही हूँ. तो ये जो वो भी आयरन का है तो ये स्क्रैच हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ पे लगा के इसको हैंग कर रही हूँ. तो इससे कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, जैसे कि ये रेंटेड हाउस है तो हमें वो स्क्रैच वगैरह करेंगे तो फाइन भरना पड़ सकता है. तो इसीलिए मैं ये सेलो टेप लगा के लगा रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं दो कोकोनट पॉट और नया लेके आई हूँ, उसमें भी प्लांट्स लगाना है. तो ये मैं पॉटिंग मिक्स यूज़ कर रही हूँ जो शॉप्स में मिलता है, ओनली पॉटिंग मिक्स में ही मैं लगा रही हूँ. मुझे यहाँ पे सॉइल नहीं मिला तो ये वाला भी बहुत अच्छा रहता है, ओनली इसी में भी लगाओ तो प्लांट बहुत अच्छा रहता है. तो मैं इसी में लगा रही हूँ. एंड मैं भूल गई थी ग्लोव्स लगाना, अभी मैं ग्लोव्स भी डाल दी. तो जब भी आप पेड़ वगैरह लगाते हो तो अच्छा है कि आप ग्लोव्स वगैरह लगाओ, क्योंकि स्पेशली लड़कियाँ का नेल्स वेल्स तो ख़राब हो ही जाते हैं. तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि कभी भी प्लांट्स वगैरह का काम करो आराम से ग्लोव डाल के काम करना चाहिए. तो ये मैंने, ये हमें सदा बिहारी हमारे साइड बोलते हैं, तो ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद आता है. तो ये इसमें ये कलरफुल सारे कलर का मैंने लगा दिया तो इसमें मैं पानी भी दे दिया क्योंकि अभी अभी लगाई हूँ और समर चल रहा है तो ये थोड़ा अच्छे से रहे. तो मैं उसको रात को अंदर ले लूँ, सॉरी दिन में अंदर ले लूँगी क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट दो तीन दिन उसको नहीं चाहिए. एंड ये एक इंडोर प्लांट है जो मैं लेके आई थी तो इसको भी मैं वो सेकेंड टाइम जब गई थी ये प्लांट सब लेके आई थी. ये एक प्लांट मैं लेके आई, इसका नाम मुझे पता नहीं है बट ये मुझे प्लांट अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई. तो एंड ये लेमन ग्रास भी मैं लेके आई हूँ.
एंड यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए। हम जब भी बालकनी का काम करते हैं तो साथ में ही करते हैं, अच्छा लगता है साथ में काम करते करते, तो पता नहीं चलता, ज़्यादा काम हो तो आराम से साथ में करो तो हो जाता है। एंड जब भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करता है बालकनी का, तो वो एक दूसरे को हेल्प हम लोग दोनों करते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो ये वाला कोकोनट प्लांट में भी वो ये सनफ्लावर या कुछ तो बोलते हैं इसको, सन प्लांट बोलते हैं इसको, ये सनलाइट में ही आता है और चला जाता है। तो ये वाला प्लांट में उसमें लगा दिया कोकोनट पॉट में। अभी बारी है जो प्लांट्स मैंने लगाया उसी को सही जगह में रखने के लिए, क्योंकि जैसे बालकनी अच्छा दिखे, जैसे प्रॉपर जगह में मैं रखूं, तो इसीलिए इसको अरेंज अभी कर रही हूं मैं जिसको जो जगह में रखना चाहिए। ये एक प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये हमेशा ऐसे फ्लावर आता रहता है, बट इसको शेड में रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे शेड में रख रही हूँ। एंड ये सब ऐसे लाइन करके रख रही हूँ जैसे ऑडिविन में थोड़ा अच्छा दिखे, तो उसको अरेंज कर रही हूँ। पे ऑलमोस्ट मैं प्लांट्स वगैरह रख ली हूँ अच्छे से, एंड हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कहाँ पे किसको रखना है। तो हम दोनों को ही बालकनी बहुत ही पसंद है, हस्बैंड और मैं रात को सोने के से पहले डेली बालकनी जाते हैं, 5-10 मिनट आराम से बैठते हैं, चाहे 2 बजे हो 1 बजे हो आराम से बैठते हैं। एंड ये है, ये स्टोन्स मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, ये स्टोन में होम बॉक्स से ली थी, एंड एक पैकेट को 5 दिरहम लिया था, मतलब एक पैकेट को 100 रुपीज़। तो ये वाला मैं मिट्टी के नीचे मिट्टी के ऊपर दे दूँ तो ये जो अभी समर चल रहा है तो मिट्टी ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, एंड ये बहुत सुंदर भी दिखेगा, इसलिए मैं ये नीचे भी दे दिया। एंड यहाँ पे मैं एक वो ये सेल्फ लेके आई हूँ, ये जैसे केज जैसा दिख रहा है, ये बहुत ही क्यूट लगा था मुझे, ये मैं पैन एमिनेट्स ली थी तो उसको भी मैंने लगा दिया। एंड यहाँ पे मैं ये आर्टिफिशियल थोड़ा मेरे पास ये वाला मैंने अमेजन से मंगाया था, तो ये भी लगा रही हूँ जैसे ऐसा दिखे। एंड ये वाला हर जगह लगा रही हूँ मैं, ऐसे ये जो रेलिंग है ना वहाँ पर लगा रही हूँ। ये हैंगिंग वाला बार्ड्स मैं ग्लोबल विलेज से लेके आई थी, इसको यहाँ पे हैंग कर रही हूँ, ये बहुत क्यूट दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं मनी प्लांट का एक था, तो ये वाटर बॉटल में डाल के यहाँ पे रख दी हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रखने के लिए कुछ नहीं था, तो ये अरेंज करके मैं यहाँ पे ये मनी प्लांट रख रही हूँ, ये इसका भी अच्छा लुक आ रहा है। एंड एक बुद्धा भी यहाँ पे रख दी हूँ। एंड यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई पोछा झाड़ू स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे फाइनली मैं डाल रही हूँ, घर में एक कारपेट था तो उसको लाके डाल दी। एंड ये एक सिंगल मैट्रेस था जो डुगू यूज़ करती है सोने के लिए, तो उसको भी लाके मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, जैसे नीचे बैठने से अलग ही मज़ा आता है, नीचे आराम से बैठ के पत्ते खेलना या गेम्स वेम्स कुछ भी खेलना, चाय पीना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों को ही अच्छा लगता है। एंड डुगू भी आराम से खेल सकती है यहाँ पे जैसे, तो मैं यहाँ पे ये पीलो कवर मैं यहाँ से लेके आई थी ग्लोबल विलेज से, तो ये भी ये थोड़ा कलरफुल लगा तो मैं ये ग्लोबल विलेज से लेके आई थी, तो ये इसको भी मैं रख रही हूँ। एंड ये प्लांट स्टैंड में यहाँ पे रख रही हूँ, मेरे पास कुछ इंडोर प्लांट्स था वो भी लाके यहाँ पे रख रही हूँ सजाने के लिए, और दोपहर के टाइम मैं घर में ले लूँगी वो, तो ये सब। एंड ये टेबल, एक बेंच था उसको हटा लिया मैंने यहाँ से, तो ये टेबल लगा लिया। एंड ये जो सेल, एंड ये एक अच्छा चीज़ देखिए, ये सेल में सी बीच गई थी, वहाँ से इतने सारा सेल हम लोग लेके आए थे सजाने के लिए, तो इसको भी मैं सजाने के लिए ऐसे रख रही हूँ, तो इसका लुक भी अच्छा आ रहा था, तो इसको भी मैं ऐसे सजा के रख दी हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी सजा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक DIY पॉट पेंटिंग। ये वाला पॉट मैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर की थी, तो ये बिरयानी इसमें आया था, तो ये मेरे पास था, तो इसको मैं पेंट कर रही हूँ, जो हमारा ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है ना वैसे पेंट कर रही हूँ,
तो ये मेरे पास एक्रिलिक पेंट था, डुगू जो यूज़ करती है अपने लिए, तो वही मेरे पास था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला पॉट बहुत सुंदर है, तो इसको इजीली, छोटा सा है तो इजीली मैं जल्दी जल्दी भी, मैंने आधा घंटा के अंदर ये पेंट हो गया था मेरा ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे देखिए डुगू मेरे साथ पेंटिंग कर रही है, वो भी वो सेल ला के उसको भी कलर वलर कर रही है। एंड ये ऑलमोस्ट मेरा पेंटिंग हो गया है, तो ऐसे ही मैंने ऐसे ही बना दिया इसको अपने मन से जो आया। तो ये वाला फाइनल लुक देख लीजिए आप। यहाँ पे ये मैं पॉट ले रही हूँ, ये मैं होम बॉक्स से ली थी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो ये मैं ली थी। इसमें पानी डाल के ये आर्टिफिशियल फ्लावर डाल रही हूँ, एंड इसमें थोड़ा दो कैंडल्स में डाल दूँगी। ये जो ये वाला जो लुक होता है ना, इसे सजाने से थोड़ा रिफ्रेश फील होता है, मुझे बहुत ही पसंद आता है इसे सजाने से। एंड ये देखिए ये उसका फाइनल लुक है। ये सेल भी मैंने रख दिया है, मेरे पास एक बुद्धा था तो वो बुद्धा भी मैंने रख दिया है। एंड ये डॉगी वेलकम वाला लेके आई थी तो इसको भी रख दिया है। थोड़ा बहुत लैम्प भी थी, जो छोटे छोटे लैम्प में मैंने लाइट वगैरह कैंडल वगैरह लगा के सजा ली हूँ। आप देखिए कैसा लग रहा है अभी बालकनी, एंड प्लीज़ आपका कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है फाइनल लुक। एंड ये रहा आपके लिए नाइट व्यू, रात में कैसा लग रहा है बालकनी। एंड ये रहा आपके लिए मॉर्निंग का व्यू, सुबह सुबह ऐसे दिख रहा था बालकनी। अब होप आपको ये वाला व्यू पसंद आएगा।
तो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए बालकनी मेकओवर का वीडियो। होप आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। एंड कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तो फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, बाय बाय।